हेलो दोस्तों, आज हम लोग अस्तर वाले ब्लाउज का कटिंग करना सीखेंगे, वो भी पुरानी ब्लाउज से। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यहाँ पे ये साड़ी का जो ब्लाउज है तो इसमें लैस है, तो लैस जो है ना वो पीछे के पल्ले में नहीं आ सकता है, सिर्फ छोटा सा लैस है। तो हम लोग यहाँ पर इसे बाजू में लेंगे, तो बाजू जितनी लंबी हो पुरानी ब्लाउज की उससे नाप लेना है। जैसे यहाँ पे बाजू है 3.5 इंच की, तो हम लोग मार्जिन लेकर इसे 4 इंच लेंगे। यहाँ पे निशान लगा के बाजू को कट कर देना है। उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों, हम लोगों ने बाजू को काट लिया है, अब हम लोग अस्तर को लेंगे और इसे खोल लेना है। अस्तर को खोलने के बाद हम लोग इसमें जो साड़ी का जो कपड़ा है उसे भी मोड़कर इसके बराबर से इसके ऊपर रख देना है। और दोस्तों, इसकी जो सिलाई का जो वीडियो है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों, हमने यहां पे अस्तर के ऊपर साड़ी का जो कपड़ा था उसे बिछा दिया है। अब हम लोग जितना सीना था उतना नापना है। जैसे सीना था 20 इंच तो हम लोग इसमें 22 या 23 इंच लेंगे मार्जिन लेकर। यहाँ पे निशान लगाकर कट कर देना है। अब यहाँ पे ब्लाउज की लंबाई जितना है वो नापना है और साड़ी के पल्ले को आपको हटा देना है, साड़ी के कपड़े को। जैसे यहाँ पे लंबाई है 14 इंच तो हम लोग यहाँ पे इसे मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद इसके ऊपर साड़ी के कपड़े को भी रखेंगे। और दोस्तों, स्क्रीन पे जो आपको वेबसाइट दिख रही है आप यहां से सिलाई से रिलेटेड सारे सामान खरीद सकते हो। तो दोस्तों, यहां पे हमने अस्तर के ऊपर साड़ी का जो कपड़ा था उसे मोड़ करके रख लिया है। ओके, अब यहां पे जो एक्स्ट्रा दिख रहा है साड़ी का, इसे कट करके थोड़ा सा बराबर कर लेना है। अब हम लोग जैसा कि जानते हैं शोल्डर के लिए 3 इंच और गले के लिए 2 इंच लिया जाता है ब्लाउज के कटिंग में। तो यहाँ पे हम लोग 2 इंच लेंगे गले के लिए और शोल्डर के लिए 3 इंच। अब बाकी जो हिस्सा है हम लोग नीचे की तरफ लेंगे आर्म होल के लिए, तो आर्म होल के लिए लिया जाता है 5 इंच, तो हम लोग यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगा देंगे। अब आर्म होल के पास हम लोग 1/2 इंच का गोलाई लेंगे और इसे पेटी के साथ मिला देंगे। अब हम लोग आगे की जो गला है वो कितना लेना है नापेंगे, तो यहाँ पे आपको बटन पट्टी से लेकर शोल्डर तक नापना है। ओके, अब आप लोग पीछे का भी नाप सकते हो। अब हम लोग पहले इसे साइड में और आर्म होल के पास कटिंग करेंगे। और दोस्तों, आपको जो स्क्रीन पे वेबसाइट दिख रही है आप यहाँ से सिलाई से रिलेटेड जैसे डोरी, लेस, सिलाई मशीन सारे सामान परचेज कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने आर्म होल के पास का कपड़ा काट लिया। अब जैसे कि हमने नापा था गले था 6 इंच का, तो हम लोग यहाँ पे 6 इंच का गला ले लेंगे और यहाँ ऊपर से काट लेना है। और ये जो लगे अगर आपको ये थोड़ा सा कपड़ा बराबर ना हो तो आप उसे साइड से हल्का सा छांट लें। तो दोस्तों, यहाँ पर दोनों पल्ला की कटिंग हो गई है। अब आपको आगे की एक पल्ला को हटा देना है। अब हम लोग ये दूसरा जो नाप रहे हैं ये होता है पीछे का गला का, तो जैसे आगे का गला था 6 इंच तो पीछे का गला का चौड़ाई नापना है, ये है 2 इंच, मतलब 2.5 इंच के लगभग। तो यहाँ पे हम लोग 2.5 इंच का मार्जिन तक छोड़ के निशान लगा देंगे और यहाँ पे 11 इंच कट कर लेना है। आप यहाँ पे जितना ज़्यादा डीप देंगे, अगर गोल गला हो और जितना ज़्यादा डीप देंगे उतनी ज़्यादा अच्छी रहेगी, जिससे कि शोल्डर से ब्लाउज गिरेगी नहीं। यहाँ पे कटिंग करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ एक अस्तर को काटना है, क्योंकि हमने नीचे वाले अस्तर को नहीं काटा है क्योंकि वो आगे के पल्ला में जाएगा। ओके, अब यहाँ पर आपको मोड़ कर डोरी का निशान लगा देना है। ये डोरी के लिए निशान है। अब ये दोनों पीछे के पल्ला को हटा लेंगे। अब आगे के पल्ला को हम बराबर करेंगे और इसमें बटन पट्टी जितनी है उतना नाप के कट करना है, मतलब नर्मदा कट में हम लोग इसकी कटिंग करेंगे। अब ब्लाउज को सीधी कर लेना है।
नर्मदा कट में दोस्तों ये होता है, अगर एक तरफ 3 इंच हो तो दूसरे तरफ 2, और एक तरफ अगर 4 इंच हो तो दूसरे तरफ 3 इंच। जैसे यहाँ पे ये था 4 इंच, तो अब हम लोग दूसरी तरफ 3 इंच लेंगे। अब इन दोनों निशानों को एक साथ मिला के कट कर देना है। ओके, तो दोस्तों यहाँ तक उम्मीद है आप सीख चुके होंगे। अब हम लोग बीचों बीच दोनों पल्ला को अलग करेंगे, मतलब दाहिने और बाएं पल्ला को। तो दोस्तों यहाँ हमने दाहिने और बाएं पल्ले को अलग कर दिया है। तो दोस्तों हमारी कटिंग भी अब कंप्लीट हो चुकी है। अब बची थी बाजू की, तो बाजू की तो हम लोग कटिंग कर लिए थे, लेकिन उसमें अस्तर का कटिंग नहीं किए थे। तो हम लोग अस्तर भी ले लेंगे ये बचा हुआ, और इसके ऊपर बाजू रख के कटिंग करेंगे। आप चाहें तो बाजू की कटिंग मशीन पे ही कर सकते हो रख कर, जैसे बस नॉर्मल जितना बाजू होता है आर्म होल से लेकर आपको कट कर देनी है। तो दोस्तों इसका जो सिलाई का लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से एक बार ज़रूर देखिएगा। और ऐसे इसमें जो लेस है ना थोड़ा आगे पीछे करके, इसलिए मशीन पे करते हैं कि लेस को खोल के बीच में सेट कर लेते हैं जितनी बाजू की चौड़ाई हो, और फिर हम लोग कटिंग करेंगे। ओके, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ सीखा होगा। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाकर ज़रूर देखिएगा। और हमारे चैनल पर पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।